सालों पहले एक बार अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अवतरित हुए और उन्होंने जो कहा एक बार उसका ध्यान करना जरूरी है, जरा सुनिए। इफ एनीवन वांट्स वेरी इमीडिएट पब्लिसिटी इन दिस कंट्री, आप मेरे खड़े होके केजरीवाल के खिलाफ गाली देना, एक ब्लॉग लिख दो केजरीवाल के खिलाफ। देखो सारे कैमरे वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू करें, इसमें कुछ नहीं सुन रहे हैं ना कि अगर कोई पब्लिसिटी चाहता है तो वो खड़े होकर केजरीवाल जी को गाली दे दे। लेकिन संयोग देखिए, एनडीटीवी के एंकर ने ही केजरीवाल को घेर लिया। एक जमाने में तो लोग कह रहे थे कि आप ऐसे करते थे, यू यूज्ड टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड से कि ये करप्ट है वो करप्ट है, मतलब आपके बारे में भी यही बोला जाता था। चलो गवर्नेंस की बात करते हैं। मगर केजरीवाल ने एंकर को घुमा दिया और इसके बाद जब एंकर नहीं मानी तो केजरीवाल जी ने अपना मुंह एक दूसरे शख्स की ओर घुमा लिया कि ये सवाल पूछेंगे। लेकिन इसके बाद भी एंकर, एनडीटीवी की एंकर, और ये काफ़ी कई साल पुरानी है ये जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंकर सवाल पूछती रही लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया और यही कहा कि वो सिर्फ गवर्नेंस की बात करेंगे। सुन लीजिए। आई वुड लाइक टू आंसर क्वेश्चंस ओनली ऑन गवर्नेंस इन दिल्ली। केजरीवाल ने ये भी साफ कर दिया कि वो दिल्ली के विकास के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे, ये भी सुन लीजिए। मैं यहाँ पे इस राजनीति में देश बदलने के लिए आया था और अभी इमीडिएटली अगले 5 साल दिल्ली बदलने में मेरे 24 घंटे जाते हैं। अब ये भाषण सुनकर कितना अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति सिर्फ विकास की बात करना चाहता है। लेकिन आपको एक नमूना दिखाता हूँ और इनका जो सबसे हाल का एक विधानसभा का बयान है 28 मार्च का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के नाम की माला जपते रहे। ये जो भाषण है ना, ये 17 मिनट का भाषण है और इसमें 43 बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। अब ये क्या कर रहे होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नमूना देखना आपके लिए जरूरी है, एक बार ये भी देख लीजिए। मोदी जी केजरीवाल का ये नमूना देखकर आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जरा आप ठहरिए क्योंकि और कुछ नमूने दिखाने हैं और आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको एक फिर से बयान सुनाता हूं, रिकॉल कराता हूं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। इफ एनीवन वांट्स वेरी इमीडिएट पब्लिसिटी इन दिस कंट्री, आप मेरे खड़े होके केजरीवाल के खिलाफ गाली देना, एक देखो सारे कैमरे वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू। देख लीजिए, मतलब कोई फेमस होना चाहे तो केजरीवाल को गाली दे दीजिए। अब आपने क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी को, गाली तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए भी सुना है? अगर सुना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन केजरीवाल को ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि मीडिया में बने रहने का तरीका क्या है और एक ही तरीका अपनाते हैं, बस प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर अनाप शनाप चीजें बोलते रहो। सुन लीजिए। मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी को कई बार इनवाइट करने जाते हैं, वापस आके बताते हैं अरविंद जी हम 45 मिनट प्रधानमंत्री जी के साथ थे, 45 के 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको गालियां दे रहे। प्रधानमंत्री केजरीवाल को गाली दे रहे थे। अब जब आप केजरीवाल जी से जाकर पूछेंगे ना कि किसने कहा है, तो हो सकता है वो आईबी या रॉ का नाम ले ले, क्योंकि झूठ बोलने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए और केजरीवाल से आप लॉजिक की उम्मीद करें ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये काम तो वो गुजरात में भी कर चुके हैं और मैं आपको दिखा भी चुका हूं। लेकिन जब बात गालियों की हो रही है दोस्तों, तो ये जानना जरूरी है कि कौन किसको गाली देता है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बता चुके हैं कि उन्हें पैसों की हवस है। आप सुनिए ये बयान। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, तो कहता है सर पैसे की हवस होती है। अब जरा आप सोचिए, जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी बचत के और नीलामी से जुटी 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को दान कर दिया हो, आपको ये खबरें लगातार मिलती रहती हैं, वही
और मनीष सिसोदिया की भी बात कर लेते हैं जो अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास हैं, उन पर 100 करोड़ रुपए की घूस का आरोप है और ये सूत्रधार हैं, ये कोर्ट में ये बात भी सामने आ चुकी है, उसे अरविंद केजरीवाल भारत रत्न देने की मांग करते हैं। अब आप तय कीजिए कि पैसों की हवस किसे है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को है या फिर इस अरविंद केजरीवाल को है जिस पर 100 करोड़ रुपए की घूस का आरोप लगा है इनके सबसे खास मंत्री पर। और ऐसे में फिर से एक बात दिखाना जरूरी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के सबसे प्रिय हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक और गाली मैं आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है, एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई। देख रहे हैं ना कौन किसे गाली दे रहा है। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, आपको एक एक उदाहरण दिखाने वाला हूं, एक और नमूना दिखाता हूं। जो व्यक्ति आज चुनाव लड़ने से पहले दिन भर खांसता हुआ दिखता था और फिर इस दिल्ली में प्रदूषण फैलाकर पूरी दिल्ली को खांसने के लिए मजबूर कर दिया, वो व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को नींद ना आने की बीमारी है। सुन लीजिए। मैंने कहा पगले, ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। देख रहे हैं ना, जो व्यक्ति इस देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, जिसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, जो दिन भर 24 घंटे मेहनत करता है, उसे नींद की बीमारी बताते हैं। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने भाषा की सारी मर्यादा तोड़ दी। आपको एक और उदाहरण देखता हूं कि देखिए देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को ये जनाब क्या कहते हैं। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। सिर्फ सुनते चले जाइए, केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को देशद्रोही बताते हैं। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। जो केजरीवाल ये कहते हैं ना कि मीडिया के सामने प्रधानमंत्री उन्हीं की बात करते हैं जो ये सूत्रों के हवाले से बताते हैं, वो केजरीवाल खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को आईएसआई का एजेंट बता चुके हैं। सुन लीजिए। वो आईएसआई के एजेंट हैं, वो राष्ट्रभक्त के चोले के अंदर देशद्रोही हैं। अब ये ट्वीट देखिए, इसमें केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कायर और मनोरोगी बता रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, तो भला इस देश के लोगों को यकीन करने में क्या परेशानी होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, केजरीवाल को इस समय एक दूसरा दौरा भी पड़ रहा है, और ये दौरा जानते क्या है, वो आजकल प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं। अभी मैं आपको कई सारे उदाहरण दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि अनपढ़ कौन है। आप आखिर तक देखते चले जाइएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे रिसर्च आपको देखने को मिलेंगे, कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, एक एक बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, और ये लगातार इनका टेप रिकॉर्डर चल रहा है। अनपढ़ कितनी बार कहा पहले ये समझिए, इस गुत्थी को समझने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि ये इन्होंने अनपढ़ कहना क्यों शुरू किया, ये भी एक राज है जो अब तक किसी ने नहीं बताया। आप देखिए, ये बयान है 14 मार्च 2023 का। इस दिन ये जनाब बोलते हैं कि सिसोदिया को जेल भेजने के बाद उन्हें लगा कि इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। सुन लीजिए। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। इसके बाद 20 मार्च को केजरीवाल को नया ज्ञान आया, और ये ज्ञान जानते क्या है, कि नोटबंदी की वजह से उन्हें लगा कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। ये भी सुनिए। अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 दिन बाद ही केजरीवाल जी को देश की चिंता होने लगी और 23 मार्च को फिर से बताया कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। सुन लीजिए। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं है। लेकिन अगले ही दिन
24 मार्च को केजरीवाल ने एक और डेटा ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि इस देश के जो बाकी प्रधानमंत्री हैं, नेहरू से लेकर के इंदिरा, राजीव और तमाम प्रधानमंत्री, ये सब पढ़े लिखे थे और नरेंद्र मोदी सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सुन लीजिए, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। फिर से 27 मार्च आते ही केजरीवाल को नोटबंदी की चिंता होने लगी। फिर कहा कि अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी जैसा फैसला नहीं लेते। सुन लीजिए, वो नोटबंदी का निर्णय जो है, अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते कभी नोटबंदी का निर्णय नहीं लेते। अब 28 मार्च को फिर से वही गाली, मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या। अगर आप इन गालियों को सुन सुन करके परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि मैंने भी ढूंढने में बड़ी मेहनत की है, आगे आपको कुछ और भी दिखेगा। 1 अप्रैल को ये जनाब फिर से वही गाली देते हैं। सुन लीजिए, ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे देख हैं? रहे ना, समझ रहे ना, 2 हफ्ते में 7 बार केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बताया, यानी हर दूसरे दिन ये प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बताते हैं। बाकी गालियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो मैंने आपको एक विधानसभा के भाषण में दिखा दिया कि 17 मिनट में 43 बार मोदी जी का नाम लेते हैं। लेकिन जानते हैं, ये केजरीवाल वही शख्स है जो कुछ बरस पहले तक ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अन्ना का उदाहरण देते थे, कितना डबल स्टैंडर्ड है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। देख लिया ना आपने, अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये लॉजिक से परे हैं। और क्यों परे हैं इसका भी मैं आगे खुलासा करूंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि जिस नरेंद्र मोदी को ये अनपढ़ बता रहे हैं वो इस देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, और एकदम लेटेस्ट खबर, कल की खबर आपको दिखा रहा हूं, ये खबर आप देख लीजिए। पूरी दुनिया में सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री मोदी की आई है, वही जिसे केजरीवाल जी अनपढ़ बता रहे हैं। और ये जो मॉर्निंग कंसल्ट है ना, ये अमेरिका की कंपनी है, जहाँ के एक अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल भी छपवा लेते हैं ना ये पैसे दे करके, तो दुनिया का सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री घोषित कर देते हैं। वहीं की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी विपक्षी पार्टियां भारत को ही बदनाम करने में लगी हैं। ये वही मॉर्निंग कंसल्ट है, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के आगे कोई नहीं है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के करीब भी नहीं है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ये अनपढ़ व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल की नज़र में। लेकिन मोदी जी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, वो तो अनपढ़ व्यक्ति है ना, चलिए मान लिया केजरीवाल जी वो अनपढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है और ये पढ़ा लिखा कितना क्या हो सकता है, इसका नमूना आपको दिखाता हूँ। ये वो व्यक्ति हैं केजरीवाल जी जो खुद को पढ़े लिखे और इंजीनियर बताते हैं, ये वो शख्स है दोस्तों जो अपने फायदे के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकता है, ये भी सुन लीजिए। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन, देख रहे हैं ना, अगर भूल गए हो तो याद कराने के लिए बताया, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और जानते हैं, केजरीवाल ने न केवल कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, सरकार बना ली, बल्कि घुटनों के बल झुककर विनती करते रहे आगे भी कि हर राज्य में समझौता कर लो, हमें गठबंधन का पार्टनर बना लो। और पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल अपने बच्चे की झूठी कसम खाने के बाद अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा, एलजी से लड़ने के लिए अपनी पत्नी को बीच में ले आए। ये ट्वीट देखिए, उन्हीं का ट्वीट है, पुराना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एलजी साहेब रोज मुझे जितना डांटते हैं
उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरे जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखा। एलजी साहब थोड़ा चिल करो। आप भाषा देखिए, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको पढ़े लिखे व्यक्ति का उदाहरण दिखा रहा हूँ ना। ये जो पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने सिर्फ बच्चों और पत्नी तक वो सीमित नहीं रहे, इसके बाद वो बाप पर भी उतर आए। उनका एक बयान ये भी सुन लीजिए। इन लोगों को लगता है कि बाप का माल है। हर समय अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले जो पढ़े लिखे केजरीवाल हैं, वो सिर्फ बच्चों पत्नी और बाप तक ही सीमित नहीं रहे, आगे बढ़े और नानी को भी घसीट लिया। अगर आप भूल गए हो तो ये बयान सुन लीजिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस। लेकिन जानते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों की वजह से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो ये पढ़े लिखे केजरीवाल सत्ता के लिए राम मंदिर पहुंच गए और अपनी नानी को भी नहीं बख्शा। जिस नानी की कसम खाकर या उनका उदाहरण देकर वो तमाम बातें कहते थे, उन्हें भी नहीं बख्शा। अब आप सोचिए दोस्तों कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है। वैसे एक बात आपको बताना जरूरी है कि जो केजरीवाल आईआईटी में पढ़ने का दम भरते हैं, दरअसल वो भगोड़ा हैं। अब ये बात क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लीजिए। आईआईटी में पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो भारत सरकार करती है, वो इंजीनियरिंग की फील्ड छोड़कर भाग गए। यही सच्चाई है ना, वो इंजीनियर नहीं बने और इसके बाद उन्होंने आईआरएस की नौकरी की तो वहां भी नहीं टिके, कोई बेहतरीन काम नहीं किया, वहां भी छोड़कर वो भाग गए। आप रिपोर्ट में देखते चले जाइए। और इसके बाद वो बीच में आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं, लेकिन उस फील्ड को भी छोड़ दिया। और आप देखिए कि आज स्थिति यह है कि आरटीआई पर अगर कोई जवाब मांगता है ना तो वो देने से भी कतराते हैं। इसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, पिछले कई वर्षों से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ भी भगोड़ा जो उनका रवैया है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों जिनके पास कोई विभाग नहीं है। ये है स्थिति। लेकिन अब असली सवाल का जवाब देना बाकी है। सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बताना क्यों शुरू किया। ये एक राज है दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि अचानक से क्यों वो अनपढ़ अनपढ़ बोलने लगे। और मैंने तो आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस दिखा दिया। अब एक बात आप समझिए, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्हें समय से पहले ही पता चल जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। आप भूले तो नहीं होंगे कि उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी थी, आपको याद है ना। अब क्यों की थी आपको मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि उनको पता है कि इन दोनों ने कितना करप्शन किया है, उनकी ही तो सरकार के हिस्से हैं। और जब जाँच होगी तो गिरफ्तारी तो होगी ही ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से ये जो डिग्री वाला मामला है जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से डिग्री की मांग की थी, इन्हें पता था कि अब इन पर भी कोर्ट का चाबुक चलने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। इन्हें पता था कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं सिस्टम के साथ, इसी वजह से ये नैरेटिव बुनना शुरू किया। और आप देखिए कि गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जुर्माना इसलिए नहीं लगाया कि उन्होंने डिग्री देखने की इच्छा जाहिर की थी, बल्कि गुजरात हाईकोर्ट ने यह बताया कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए केजरीवाल ने इस सिस्टम का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने आरटीआई एक्ट का मजाक बनाया है, सिर्फ सियासी सनसनी पैदा करने के लिए मुद्दा बनाया गया है। पीएम मोदी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो जहां से उन्होंने पढ़ाई की है उसकी वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। इसके अलावा चुनाव आयोग के हलफनामे में भी मौजूद है। और पढ़े लिखे और इंजीनियर होने के बाद भी केजरीवाल उस वेबसाइट पर नहीं गए, वहां डिग्री नहीं देखी, लेकिन उन्होंने सीधे
सीआईसी और तमाम जगहों पर सनसनी फैलानी शुरू कर दी। अब एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, कि जब कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया तो उल्टे सीधे बयानबाजी करने लगे। ये भी मामला अभी मीडिया में आप देख रहे होंगे। इसके अलावा एक और झूठ परोसना शुरू कर दिया। आप देखिए इस गैंग ने क्या किया, ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम की डिग्री फर्जी है। आप ये ट्वीट देखिए संजय सिंह का, पीएम की डिग्री फर्जी है, गुजरात विश्वविद्यालय की जो डिग्री मोदी जी की दिखाई जा रही है वह प्रमाण पत्र जिस पर लिपि शैली में मास्टर लिखा है वो लिपि शैली है 1992 में आई, जबकि मोदी जी की डिग्री तो 1983 की बताई जा रही है। लेकिन जानते हैं इनके झूठ का तुरंत पर्दाफाश हो गया। और कैसे हुआ, जैसे ये पहले ईवीएम हैक करके दिखाते थे ना, लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि भैया हैक करके दिखाओ तो शांति से बैठ गए, गए ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहां भी इनका जो झूठ है वो पर्दाफाश हो गया। आप देख लीजिए ये क्या लिखा है, मोदी जी की डिग्री पर एमएस ओल्ड टेक्स्ट मोनोटाइप लिपि नहीं बल्कि ये लिपि है, मैरिज लिपि, और इसे 1901 में बनाया गया था। अब दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद मतलब समझ में नहीं आता कि केजरीवाल और इनकी टीम को क्या कहे। अरे ये क्या एडिटर महोदय, ये तो आपने कुछ और ही चला दिया। लेकिन जानते हैं दोस्तों इस वीडियो को सीरियस नोट पर खत्म करना जरूरी है और एक बयान सुनना बहुत जरूरी है कि केजरीवाल इस देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। जब से ये नेशनल पार्टी बनने का ढोंग और स्वांग रचा रहे हैं ना कि हम नेशनल पार्टी बन गए, अब तो नेशनल मिशन एम्बिशन है, तो वो करेंगे क्या, इसके लिए इस बयान को सुनना बहुत जरूरी है। आप सुन लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, मैं मानता हूँ जी मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। अब ये बयान सुनने के बाद दोस्तों कुछ भी कहने सुनने के लिए बचा हो मुझे नहीं लगता। अब तो फैसला सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।